वाई इज इक्वल टू जीरो, राइट है ना। ये दो दो इक्वेशन था ना। चलो अब यहाँ पे मैंने बोला था ये मॉड वैल्यू जो ओपन होता है, तो मॉड वैल्यू जब ओपन होता है तो दो पार्ट में ओपन होता है। बोर्ड बहुत ब्लैक रहा है और दिख नहीं रहा, सब बड़ा बड़ा लिखे दिख नहीं रहा है। ओके और थोड़ा सा जूम कर देते बोर्ड, असल में क्या होता है जूम करने में ना बोर्ड थोड़ा छोटा यूज करना पड़ता है, पास में रख करके पूरा बोर्ड नहीं हो पाता तो उसको पूरा क्लियर दिखता है। थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जूम कर दीजिए थोड़ा सा कैमरा का, थोड़ा जूम कर दीजिए सर। एक मिनट, थोड़ा सा और, अभी क्लियर है? थोड़ा सा और सर, अभी सही है कैसे? यस सर अभी ठीक है, बस थोड़ा सा बड़ा लिखिए आप इसके बाद से। ओके ओके स्टूडेंट, तो क्या है क्वेश्चन? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या बोला था कि मॉड जो ओपन होगा, ऐसा मैंने हिंट दिया था आप लोगों को, बोला था सॉल्व करने के लिए, अगर इसको मॉड को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में ओपन होगा, क्योंकि मॉड जो ओपन होता है प्लस और माइनस दोनों में ओपन होगा। दैट मीन क्या बोलना चाहता हूँ मैं, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस का वन होगा। कितना होगा? प्लस माइनस वन होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस वन होगा तो यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक बार प्लस का वन होगा और एक बार क्या होगा, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का वन। अब इस इक्वेशन के सॉल्व करना थे, ये वाला इक्वेशन एक बार इसके साथ होगा, यानी ये वाला इक्वेशन एक बार इसके साथ सॉल्व होगा, ये वाला इक्वेशन एक बार इसके साथ सॉल्व होगा, यानी यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिले, यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करो, यहाँ से क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को अलग सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को अलग सॉल्व करो, यहाँ से दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको दो अलग अलग वैल्यू आएगी, यानी एक्स की अलग वैल्यू आएगी यहाँ पे, वाई की अलग वैल्यू आएगी, सेम यहाँ एक्स की डिफरेंट वैल्यू आएगी एंड वाई की डिफरेंट वैल्यू आएगी। अगर यहाँ दोनों इक्वेशन में देखा जाए तो एक्स का कोफिशियंट भी सेम है दोनों इक्वेशन में, वाई का कोफिशियंट भी सेम, लेकिन हमें ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, सबसे बढ़िया एग्जांपल का इतना क्या बताया था कि जब साइन अपोजिट हो तो आप ऐड कर दो, क्योंकि वहां पे हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐड करेंगे ना ऑटोमेटिक एक वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स और एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, y माइनस वाई मिलके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, वन, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे x से टू क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो गया, x की वैल्यू कितना हो गई, वन बाई टू। अगर यहाँ पे इसको इक्वेशन वन मानते हो सपोज करते हो, इसको इक्वेशन टू सपोज करते हो, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर टू से देखें, फ्रॉम टू x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, जीरो, x इज इक्वल टू क्या है, y, x इज इक्वल टू क्या आपने फाइंड आउट किया, वन बाई टू, y की वैल्यू कितना, वन बाई टू, यानी x की वैल्यू वन बाई टू एंड y की वैल्यू भी कितना गई, वन बाई टू। यहाँ से जो सॉल्व किया हमने, ये दो वैल्यू आई इसकी x एंड y की, सिमिलर अभी यहाँ पे चल चल, सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन है, दोनों का कोफिशियंट क्या है, सेम है, अगर दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, टू एक्स, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का जीरो हो जाएगा, अब माइनस का वन बचेगा, तो फिर से क्या, इसको भी इक्वेशन नंबर थर्ड कर लो, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ कर लो, तो टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का वन, फिर से यहाँ पे टू क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस टू हो गई। फिर से मैंने बोला कि इक्वेशन फोर से देखो, फ्रॉम फोर, इक्वेशन फोर से देखो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई, एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई, यानी वाई की क्या क्या वैल्यू आ गई, माइनस वन बाई टू। यानी देखो एक बार एक्स की वैल्यू वन बाई टू आ गई, वाई की वैल्यू वन बाई टू, यहाँ पे क्या, एक्स की वैल्यू जब माइनस वन बाई टू है तो वाई की वैल्यू क्या गई, माइनस वन बाई टू, यानी यहाँ पे ऑप्शन जो दो ऑप्शन दिया था आपको, यहाँ पे जो दो ऑप्शन गिवेन है ना, कि जो सी वाला ऑप्शन आई थिंक दिया था,
वहाँ एक्स और वाई के दो वैल्यू जो इंडिकेट किया था वही वाला ऑप्शन आपका ज्यादा सुटेबल है एज कम्पेयर टू द सिंगल ऑप्शन, क्योंकि सिंगल ऑप्शन में क्या दिया, या तो ये ऑप्शन दिया या तो ये वाला आंसर दिया हुआ। यहाँ पे जैसे ही मोड ओपन करोगे तो आपको प्लस और माइनस दोनों में ओपन होगा, सिंगल वैल्यू में ओपन नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या सर? आपने ये जो आंसर निकाला है इसका ऑप्शन कैसा होगा? ऑप्शन मैंने शायद लिखा था आप लोगों को, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन था x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2, बी ऑप्शन था x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू -1/2, सी ऑप्शन था x इज इक्वल टू -1/2 y इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू -1/2, ऐसा ऑप्शन रहा होगा। डी होगा सर, नन ऑफ दी था, क्या था नन था ना, डी ऑप्शन क्या x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें ऑप्शन में जो है ना मेजोरिटी ऑप्शन जानते हो कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर ए आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो मेजोरिटी ऑप्शन आता है वो ये वाला ऑप्शन आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस वन लेके ही छोड़ देते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको तो ध्यान भी नहीं देते क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिखाता है, हमने मॉड को मतलब ही नहीं समझते हैं तो मॉड को इग्नोर कर देते हैं, जब मॉड को इग्नोर कर देते हैं तो ऑप्शन सी इग्नोर हो जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होता है, बट वहाँ पे आपका क्या होता है रॉन्ग होता है एक्चुअल में देखा जाता है। सर मुझे समझा नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है आप बताओ? अगर हम मोड अगर निकाला है तो ए ऑप्शन आ रहा है, बट अगर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी ले रहे हैं दोनों का ऑप्शन लेंगे तो फिर सी ऑप्शन आ रहा है, तो सी वाला ही ऑप्शन होगा ना आपके पास, दो ऑप्शन जो आंसर आएगा वही होगा ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम मेजोरिटी क्या होता है ए वाला ऑप्शन देते हैं, क्यों ए वाला ऑप्शन देते हैं तो मोड को इग्नोर कर देते हैं लोग, ध्यान नहीं देते मोड को, मैं ये कहना चाहता हूँ मोड को जब ध्यान नहीं देना चाहते हैं मोड को इग्नोर कर देते हैं तो ऐसा केस आता है। क्लियर? मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो सही है, मैं ये बोल रहा हूँ वो रॉन्ग होने के चांसेस कितना है, मतलब मेजोरिटी लोग उसका आंसर कैसे दे, ऐसा चांसेज है कि मेजोरिटी लोग उसी का आंसर दे। हो गया Then, no problem. Okay, no follow. सर ये जो क्वेश्चन है क्या कौन से टॉपिक का है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ओके। अलजेब्रा का। डन। चलो इतना तो हम लोग ये होमवर्क डिस्कशन हो गया स्टूडेंट, तो लिनियर इन टू वेरिएबल तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उन्होंने क्वेश्चन भी कर दिया काफी चीजें कर लिया, तो अब इस पर नहीं करते हैं क्योंकि इस पर और डिस्कशन आप लोग अपने से करना, कहीं क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग खुद बताना मेरे को, मैं कर दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या है कि लिनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल।
वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स का मतलब ये होता है, आप जानते हो कि थ्री वेरिएबल्स का मैंने क्या बताया था, थ्री वेरिएबल का मतलब उसमें हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि तीन वेरिएबल का मतलब होता है कि वहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पे जैसे एक्स वाई था वहाँ पे तीन वेरिएबल हो जाते हैं, एक्स वाई जेड या अनदर नाम से कोई अगर वेरिएबल आ जाता है तो हो सकता है कुछ या अनदर नाम से वेरिएबल आ सकता है, या मैन पी क्यू आर के नाम से भी आ सकता है, डिपेंड अपन क्योंकि कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है। सपोज करो आपके पास क्या है, अगर एक्स है प्लस वाई प्लस जेड है, या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो मान लो, या डी वन मान लो, अगर डी वन है, ऐसा है कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन है, अब मुझे चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे कितने ऑप्शन होने चाहिए, कितने इक्वेशन होने चाहिए बताओ, तीन तीन इक्वेशन होने चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए होता है, नेसेसरी होता है, हमें उतने इक्वेशन चाहिए, अगर उतने इक्वेशन नहीं है, उतने इक्वेशन नहीं है तो क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या दो इक्वेशन सॉल्व, हाँ राइट है, हो जाए, हो सकता है, लेकिन अगर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू और फाइंड आउट करना है तो आपको तीन इक्वेशन नेसेसरी है, कभी भी दो वेरिएबल दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, कभी भी फाइंड आउट नहीं हो सकती यहाँ से, हाँ ऐसा कुछ समथिंग दिया रहेगा, मान लो कि इसमें से तीनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है और दो इक्वेशन दिया हुआ, तो हो सकता है ऐसा कि मान लो कि ए वन यहाँ पे भी सेम हो जाए, सी वन सेम हो जाए, सेकेंड इक्वेशन में ऐसा हो जाए कि हमने ऐसा बोल दे कि ए वन एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी टू, अगर ऐसा करते हैं हम इसको तो क्या हमें यहाँ से वाई की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या, देखो ए वन एक्स कैंसिल जीरो, बी वन वाई बी टू वाई क्या हो जाएगा, प्लस का बी वन वाई और माइनस का बी टू वाई हो जाएगा, देखो क्या सी वन जेड ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा डी वन माइनस डी टू बचेगा, तो फाइनली क्या आ गया कि वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बी वन माइनस बी टू इक्वल टू डी वन माइनस डी टू, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया डी वन माइनस डी टू अपान बी वन माइनस, क्लियर क्या, लेकिन ये स्टूडेंट कब आया कि जब हमारे पास यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट दो का सेम था, बट यहाँ से केवल हम वाई की ही वैल्यू निकाल सकते हैं, अब वाई की वैल्यू आप सोचो कि इसमें इन दोनों में रख दें तो हमें इन दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट हो सकता है, अब देखो क्या हो, जैसे वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई तो वाई की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो गई तो अनदर इक्वेशन बनेगा, तो वो दो अब कोई बोलेगा कि सर दो इक्वेशन से फाइंड आउट हो गया, राइट है, बट मैंने बोला कि अगर तीन वेरिएबल हैं तीन इक्वेशन जरूरी होता है क्योंकि तीन इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको अनदर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, अब वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हो तो वेरिएबल किस में होगा एक्स एंड जेड में, अब इन दोनों को सॉल्व करके दो इक्वेशन बनेंगे तो आपका एक्स एंड वाई जेड की वैल्यू, तो समथिंग डिपेंड अपन यू कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या गिवेन है क्या नहीं गिवेन है, इस पे आपको ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना, उस पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में आपका आंसर क्या हो, उस पे डिपेंड करेगा एक्चुअल में आपका आंसर क्या होगा, आप कैसे आपका डिफाइंड होगा, कभी भी डायरेक्ट अगर थ्री वेरिएबल्स का इक्वेशन दिया हुआ है आपसे बोल दिया है तो आप ये समझ के मत इग्नोर कर देना या कैन नॉट डिटरमाइंड वाला ऑप्शन कर देना कि अरे ये तो तीन वेरिएबल्स है इक्वेशन दो ही है तो डायरेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज कैन नॉट डिटरमाइंड, इतना आसान सा क्वेश्चन आपको क्यों देगा, आप खुद सोचो थोड़ा सा, इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों देगा, खास के हाँ सी एच एस एल में दे सकता है, मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है बट वो भी ना के बराबर पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीज है कि हमें अगर फाइंड आउट करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट ऐसा मान के मत चलना कि दो ही वेरिएबल दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट नन ऑफ दीज का ऑप्शन सेलेक्ट करें, सॉरी कैन नॉट डिटरमाइंड का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ऐसा मत करना, ठीक है, चलो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है ना, 2017 में इस पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने हर एक शिफ्ट में आया हुआ हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चंस इसको हम समझते हैं थ्री वेरिएबल्स को, ठीक है ना, कि थ्री वेरिएबल्स का क्या यूज है, जैसे सपोज करो इफ 3x प्लस 5y
प्लस सेवन सेवन जेड इज इक्वल टू 49 एंड 9x प्लस 8y प्लस 21 प्लस 21 जेड इज इक्वल टू 126 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई तो वाई की वैल्यू क्या होगी ये ध्यान देना कि ये आया हुआ 2017 में क्वेश्चन है 4b2c3 और डी है देख लो अब एक क्वेश्चन एक बार देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार बस इस क्वेश्चन को देखना है कि इफ दो इक्वेशन दिया हुआ है थ्री वेरिएबल्स में दिया हुआ है अब बोला है कि वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट करें वाई की वैल्यू आपकी क्या होगी अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे पहला क्वेश्चन है मैं समझा देता हूँ यहाँ पे देखो अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें चाहिए एक इक्वेशन है 3x प्लस 5y प्लस 7z 3 वेरी गुड कितना आया 7z इज इक्वल टू है 49 एक इक्वेशन है 9x प्लस 8y प्लस 21z इज इक्वल टू 120 अब दो ही क्वेश्चन है और थ्री वेरिएबल्स है सॉल्व कैसे करें तो स्टूडेंट देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है वाई हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है वाई अगर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सी बात है हम लोग वाई को तो एलिमिनेट कभी नहीं करेंगे पहले किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे एक्स और जेड को तो एक्स की बात देखो तो ये थ्री टाइम्स है ये नाइन जो थ्री है नाइन के लिए थ्री टाइम्स है ये भी सेवन क्या थ्री टाइम्स है तो ये क्या आ जाएगा 21 इसका मतलब इन दोनों को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या आएगा अगर इन दोनों को हम लोग यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो थ्री से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9x अब ब्रैकेट लगाया हो जिसका मतलब सब में मल्टीप्लाई होगा 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा प्लस 7 3 कितना होगा 21z हो जाएगा 9 3 कितना होगा 27 4 3 कितना होता है 12 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस देखो ये 9x माइनस 9x कैंसिल 21z माइनस 21z कैंसिल 15 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू यहाँ से बताओ 147 माइनस 126 कितना आ जाएगा 21 आएगा कि नहीं माइनस का अब माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ पे 7 क्या है मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा डिवाइड बाय 7 तो वाई की वैल्यू कितना आ गया समझ में आया क्या yes, नोट कर लो ये 2017 का क्वेश्चन है अभी तो चार ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब सिंपल से क्वेश्चन तो पहले सॉल्व हो सर हो गया है नोट हो गया सभी का सर एक मिनट सर हुआ सभी को हो गया हाँ ओके चल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे दिए हुए कॉस्ट ऑफ फोर पेन्स सिक्स नोटबुक सर डार्क लिखिए सर ब्लर ब्लर दिख रहा है ब्लिंक हो रहा है
आया किसी का? कर रहे हैं सर। ओके सर कॉल करा। चलो स्टूडेंट देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 4 पेंस 6 नोटबुक एंड 9 बाल फाइल्स इज 305। यानी कि 4 पेन, मैंने 4 पेन ले लिया प्लस 6 नोटबुक, मैंने 6 नोटबुक लिया, नोटबुक को हमने यहां से नोट कर दिया। अगर एक नोटबुक का एक है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। एक पेन का प्राइस 1 रुपया है तो 4 पेन का कितना जाएगा, 4p हो जाएगा। एक नोटबुक का n प्राइस है तो 6 का कितना होगा, 6n हो जाएगा। सिमिलर एक अगर फाइल का, अगर एक फाइल का प्राइस अगर 1 रुपया है तो 9 फाइल का कितना हो जाएगा, 9 रुपीज होगा, एन 9f हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना दिया है, 0। सेकंड कंडीशन क्या दिया होगा, कॉस्ट ऑफ 3 पेन, 3 पेन मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ 3p प्लस 4 नोटबुक, प्लस 4 नोटबुक ले लो, प्लस कितना दिया हुआ, 2 फाइल्स, तो 2 फाइल्स हो गए, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 145। आपसे क्या बतानी है कि वैल्यू जो बतानी है 5 पेन प्लस 8 नोटबुक प्लस 16 फाइल की वैल्यू बतानी है कितनी, 16 फाइल की वैल्यू बतानी है। तो देखो स्टूडेंट, अब हमसे इंडिविजुअल की वैल्यू तो पूछा नहीं है कि आप एक पेन की वैल्यू बताओ या एक नोटबुक की वैल्यू बताओ या एक फाइल की वैल्यू बताओ, तीनों अलग अलग वैल्यू बताओ, ऐसा कुछ तो बोला नहीं। तो ऐसा अगर नहीं बोला है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट तीनों के एक साथ कॉम्बिनेशन बताना। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो कैसे। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सपोज करो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 कितना, 12 माइनस 3 कितना होगा, 9। 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9। फिर कितना होगा यहाँ पे, अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कितना होगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 40। तो भी नहीं आ रहा है, यानी 5p तो नहीं आ रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा कितना होगा, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 आ गया। 6 2 जा कितना होगा, 12 माइनस 4 8 आ गया, एंड 9 2 जा कितना होगा, 18 18 माइनस 2 कितना होगा, 16। राइट है, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर क्वेश्चन में आपने वो 305 के आगे क्या लिखा है, 18 305 फिर यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ 3 पेन 4 नोटबुक एंड 2 फाइल्स ईच 145 मतलब फुल स्टॉप। तो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को कितना हो जाएगा, 8p प्लस 12n प्लस कितना हो जाएगा, 18f इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो, 5 2 12 और 6 2 कितना हो जाएगा, 3 2 ये माइनस का माइनस, अगर 8 माइनस 3p करोगे तो माइनस 5p आएगा, इनको करेंगे तो माइनस 8n आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 16n आएगा, इज इक्वल टू इनको सब, इनको आएगा तो कितना 4 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 10, 10 में से हो जाएगा 6 और कितना आ जाएगा 4, ये भी आएगा माइनस, माइनस 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 सभी जगह माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 5p प्लस 8n प्लस 16n इज इक्वल टू कितना आएगा, 465। क्या आपसे यही वैल्यू पूछा है, क्या आपसे यही वैल्यू पूछा है? इक्वेशन बनाना, ये इक्वेशन कैसे बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो यही दिखाया इसमें और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन जाने का ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम क्या है, सी एन डी ऑप्शन जाने का हमारे पास ज्यादा चांस होता है कि हम सी एन डी पे जल्दी जाए,
क्योंकि हमें मैं इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं इस टाइप के, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखो तो आप पहला अप्रोच आप ऐसे लगाओ, आप पहला अप्रोच ये लगाओ कि कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करने के बाद देखो कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करने के बाद कुछ मिल रहा है क्या, अगर मिल जा रहा है तो फिर बेटर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा? यही तो देखना है, अब हमें पता नहीं चलेगा इसमें ऐसे थोड़ा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 इक्वेशन नहीं दिया है, तो क्या कुछ और भी मेथड है क्या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद? तो देखो डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करते तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई या एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लो, एक बार आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने से हमें कुछ मिल रहा है क्या, तो आप देखोगे कि नहीं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी दोनों इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इसलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कुछ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, आपको देख लो कुछ मल्टीप्लाई करके देख लो, कुछ मल्टीप्लाई करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो करके देख लो। तो एक दो जैसे मान लो पी का कर लिया एन का देख लिया तो फिर एफ ऑटोमेटिक हो जाएगा, एफ का ऑटोमेटिक हो जाएगा कि सेम आंसर आने वाला है। ये आपको खुद थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन हो रहा है कि जब भी इस टाइप का आया था पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए, अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा, इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था ना इसका, सर अगर किसी पहले पूछी होती तो कैसे करते, जैसे अगर सिर्फ 5 पेन का पूछा होता तो फिर कैसे निकालते हैं? तो पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे पॉसिबल कैसे होता, सीएनडी वाला ऑप्शन सही होता है। ओके सर, क्योंकि यहाँ से 5 पेन का ऑप्शन कहाँ हमारे पास, ना नोटबुक की पता है वैल्यू, ना फाइल की वैल्यू पता है, तो हम लोग पेन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, राइट है ना? क्योंकि जितने वेरिएबल्स होते हैं कभी भी वेरिएबल्स अगर गिवन है तो उसमें अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो, हाँ सर दो की पता होती तो हम थर्ड का निकाल लेते हैं। हाँ कम से कम इतना हमारा रिक्वायरमेंट होती है, इतना रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है किसी भी क्वेश्चन। हाँ जी सर, ये आपने लास्ट में 5a + 8a ये सब माइनस था तो प्लस कैसे कर दिया मतलब? अच्छा ये, हाँ ओके, आंसर मतलब सब माइनस आया था, माइनस 5 एंड माइनस 6 5 है, अगर यहाँ से माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे ये पूरा प्लस हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, हाँ ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों साइड है ना माइनस कैंसिल हो गया बच गया। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो दोनों साइड क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई, समझ रहे हो आप, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर, नहीं समझे? चलो मैं यहाँ पे नीचे वो भी दिखा दो, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5 माइनस 8n माइनस 16f इज इक्वल टू माइनस माइनस का 465। अब देखो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा था प्लस का 5p होगा, इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा था प्लस का 8n हो जाएगा, इस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा था प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस माइनस प्लस प्लस होता है ना, समझा? बट सर आप जो इक्वेशन निकाल रहे हो तो इक्वेशन के अंदर वो साइन तो बड़ा गया ही आएगा ना सर, 8x - 3x इज इक्वल टू प्लस 5x ही आएगा ना सर, मतलब मींस 5p। हां तो 5p तो है, हां तो इसमें माइनस का साइन का तो ऐसा कुछ आता नहीं है। नहीं, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है दो इक्वेशन को तो जो बड़ी वाली वैल्यू रहती है उसी का साइन लगाते हैं ना। हाँ सर, तो वही तो मैंने किया है। आप क्वेश्चन दीजिए ना सर एक बार। हाँ ये क्वेश्चन
ये सब ना एक बार माइंड में करके आपको देखना पड़ेगा, इतना बहुत बड़ा नहीं है, माइंड में नहीं कर सकते। फोर टू जाए एट, एट माइनस थ्री फाइव हमें दिखाई दे रहा था, इतना हम लोग माइंड में कर सकते हैं। पहले वन से मल्टीप्लाई तक करना कोई मतलब ही नहीं होता, पहले टू से करो, फिर थ्री से करो, फिर फोर से करो, दो तीन चार नंबर तक जाओ, खुद ही आइडिया लग जाएगा हाँ हमारे पास कुछ मिलेगा क्या। ये क्वेश्चन और करो, कॉस्ट ऑफ एट पेंसिल फाइव पेंस थ्री इरेजर्स इज वन वन वन, कॉस्ट ऑफ नाइन पेंसिल कॉस्ट ऑफ नाइन पेंसिल सिक्स पेन फाइव इरेजर कॉस्ट ऑफ सिक्स कॉस्ट सिक्सटीन पेंसिल कॉस्ट ऑफ सिक्सटीन पेंसिल्स इलेवन पेंस and three erasers each two. What is the cost of थर्टी नाइन पेंसिल ट्वेंटी सिक्स पेन एंड थर्टीन इरेजर ऑप्शन है बी ऑप्शन है फाइव फोर्टी सिक्स सी ऑप्शन है 624 एंड डी ऑप्शन 480। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, आपको सर इसमें तो थ्री पैसा है ना, तो तीन तो क्या करेंगे फिर इसमें, क्या करेंगे मतलब अब देखो क्या करेंगे, आपको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 39 पेंसिल 26 पेंस एंड 13 इरेजर। एक बार आप देखो, पहले सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे एक बात भी सोचो। हाँ सर ट्राई करने दीजिए, पहले एक बार आप देखो तो सही, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। बाकी तो प्राइमरी दिमाग तो बहुत चलना ही चाहिए कि थ्री वेरिएबल्स है, थ्री इक्वेशंस है, तो मिल जाएगा कि 39 पेंसिल 26 पेंसिल एंड 13 इरेजर निकल जाएगा। तो क्या अदर भी अप्रोच हो सकता है क्या इतना लंबा क्वेश्चन करना सॉल्व करके?
सर बताइए आंसर 624 है क्या? 624 और किसी स्टूडेंट का क्या किया आपने? सर बट एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूंगी तो 39p तो एग्जैक्ट आता नहीं है। देखो एक हिंट दे रहा हूँ, जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए मतलब कि इंडिविजुअल के वैल्यू पूछने के लिए नहीं आए तो तीन इक्वेशन दिया रहे ना तो भी आप पहले इंडिविजुअल को सॉल्व करने पे मत जाओ, यानी तीन इक्वेशन को सॉल्व करने पे मत जाओ क्योंकि तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तीन तीन आंसर नहीं आएगा। आप मालूम है ना अब दिखाई दे रहा है नंबर कुछ है अजीब तो हमें इतना आसानी से आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज को एलिमिनेट करो फिर दो को सॉल्व करो फिर दो के आंसर आए थर्ड का आंसर निकालो, ये काफी थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस लग रहा है राइट है ना। तो जब भी आपको इस तरह कंबाइंड आंसर पूछे कंबाइंड पूछे मतलब कि जैसे 39 पेंसिल कर दिया 26 पेंसिल कर दिया 13 बर्गर इरेजर्स कर दिया तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं हमें जरूर 100% कुछ न कुछ हमको डिफरेंट वे लगाना चाहिए ठीक है ना। यानी कि यही एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई यही करना चाहिए अदर पहले उस पर नहीं जाना चाहिए। समटाइम ऐसा हो सकता है कि सॉल्व ना हो लेकिन समटाइम ऐसा पॉसिबिलिटी, लेकिन क्वेश्चन में इतना समझो कि कंपटीशन एग्जाम में दिया जाता है ऑलवेज कंपटीशन एग्जाम में प्रीफर करता है कि स्टार्ट करे यानी कुछ लॉजिकल मेथड आपको मिले, क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं देगा बहुत लेंदी प्रोसेस मिले, सम टाइम ऐसा दे देता है सम टाइम दे देता है तो वैसे क्वेश्चन को आपको छोड़ कर जाना पड़ता है, वैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ अगर आपके पास दो तीन मिनट का टाइम है तो आप सॉल्व कर लो, अगर नहीं है टाइम तो आप मत सॉल्व करो। मैक्सिमम अगर 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है अदरवाइज निकाल दो उसको। इसे यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन उठा 8 पेंसिल प्लस 5 पेंस प्लस 3 इरेजर्स इज इक्वल टू कितना है 1/1 ठीक है 9 पेंसिल पहले समझ लो आप लोग, बहुत से लोग नोट करने पे आ जा रहे हैं इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उनको फॉलो मारे 130 अ कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल प्लस 11 पेंस प्लस 3 इरेजर सर तीनों को भी ऐड करके लास्ट में 5 प्लस 4 प्लस अगर 2 भी करेंगे ना तो फिर उसका इक्वेशन प्रॉपर आता है। अच्छा आ रहा है तो देखो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या तो देखो हमें क्या चाहिए पहले 39 पेंसिल तो 39 पेंसिल चाहिए, देखो दो अगर रहते तो हम लोग देख लेगा तीन है तो हम लोग तीन में देख कर सकते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं देखो पहले 13 पे चलते हैं 39 से छोटा नंबर क्या 30 ऐड करेंगे कितना आएगा देखो 5 प्लस 3 कितना होगा 8 प्लस 3 कितना होगा 11 हो गया ठीक है। अच्छा इसको छोड़ दो ठीक है 5 प्लस 6 कितना 11 और 11 मिलकर कितना 22 हो गया चलो यानी 11 यहाँ पे 22 यहाँ पे यहाँ पे कितना आएगा 9 और 8 17 और 16 30 ये तो मल्टीपल आ रहा है 11 का यहाँ पे 33 यहाँ पे 22 यहाँ पे कितना आ रहा है 11 आ रहा है। एक बार करके देखते हैं पहले 11 का मल्टीपल है तीनों को ऐड करो ये सब माइंड में कैलकुलेशन तो इतना हम कर सकते हैं ना हमें तो दिखाई दे रहा है इतना एडिशन का ना इतना नहीं कर सकते हैं इतना हमारा अप्रोच होना चाहिए। अब इनको करेंगे 33p प्लस इसको करेंगे तो 22p प्लस इसको करेंगे तो 11 इरेजर इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करो ये 2 हो जाएगा 325 प्लस 1 हो जाएगा 462 ये हो जाएगा 462 11 कॉमन ले लो स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा प्लस 2p हो जाएगा प्लस इरेजर इज इक्वल टू 462 में 11 से डिवाइड करो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा 3p प्लस 2p प्लस इरेजर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 462 अपन 11 11 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा और बचेगा कितना 2 ये क्या हो जाएगा 42 हो गया 3p प्लस 2p p पेंसिल अच्छा पेंस है क्या चलो PE कर देता हूँ मैं ना दोनों पी तो समझ में नहीं आएगा कौन पेंसिल है कौन पेन है इज इक्वल टू कितना गया आपसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है ये 39 पेंसिल प्लस 26 पेंस प्लस 13 की वैल्यू क्या हो
इरेजर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो आप ये ध्यान से देखो, तो आपको 39 पेंसिल चाहिए, 26 पेन चाहिए, 13, तो आ तो रहा है। अगर 13 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो 13 3 जा कितना होगा 39, 13 2 जा कितना होगा 26, 13 3 1 जा कितना होगा 13, और 13 में यहाँ मल्टीप्लाई कर आंसर आ। अब यहाँ पे क्या करते, 13 से मल्टीप्लाई कर कितना हो गया 39p प्लस 26 पेंसिल पेन प्लस 13 इरेजर इज इक्वल टू 13 2 जा कितना होगा 26, और 13 4 जा कितना होगा 52 प्लस कितना हो जाएगा 54, ये 56 क्या आ गया आंसर आ गया। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ट्रेडिशनल मेथड, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, एक पेंसिल का, पेन का, इरेजर का, एक पेन एक पेंसिल एक इरेजर की वैल्यू निकाल दो, ये वैल्यू निकाल के और वहां पे पुट कर दो 39 into p। हाँ ये कैसे समझेगा, लेकिन कभी मतलब ऐसा प्लस करना है और कभी मतलब ऐसा मल्टीप्लाई, लास्ट इक्वेशन में जैसे आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था ना, तो ऐसे समझेगा कैसे कि कभी प्लस करना है कभी मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या था कि तीन इक्वेशन आ गया, तो वहाँ पे दो इक्वेशन था, हमें दिखाई दे रहा था और इजिली विजुअलाइज करना आसान था, लेकिन यहाँ पे 3 क्वेश्चन है तो विजुलाइज करना आसान नहीं। तो हम लोग या तो तीनों को ऐड कर सकते हैं, या तो हम कुछ दो को ऐड करके एक के सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमें वो अनदर वैल्यू पे क्या फाइंड आउट करना। अगर वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, देखो 39 एक बड़ा नंबर है, 26 भी एक बड़ा नंबर है, 13 भी एक बड़ा नंबर है, अगर ऐसे बड़े से नंबर आ रहे हैं इसका मतलब इनका ऐड किया गया, इतना आपको अप्रोच थोड़ा सा ये दिखाई देना पड़ेगा, ये आपका थोड़ा सा डायरेक्शन हो सकता है, ये डायरेक्शन आप मान सकते हो। क्योंकि देखो क्या है, अगर पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो इरेजर कहीं पे भी, देखो इरेजर वहाँ पे 13 है, यहाँ पे कहीं पे भी इरेजर 13 नहीं है, पहले में 3 है, सेकंड में 5 है, थर्ड में 3 है, इसका मतलब है कि इरेजर 13 आया, इसका मतलब कि बड़ा सा नंबर है, इसका मतलब इन तीनों को ऐड ही किया गया होगा या इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई इन तीनों को करना तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कभी नहीं कर सकते तीनों इक्वेशन या दो इक्वेशन, या तो ऐड करोगे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने से नंबर और छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सब्ट्रैक्ट नहीं करके हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद तो हमें यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई देने लगा, जब कॉमन दिखाया तो आगे गए तो हमें 3p 2p और जैसे इरेजर दिखाई दिया, तो हमें वहाँ दिखाई दिया 13 का मल्टीपल है, इतना हमारा अप्रोच ये पड़े कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना कि पहले मल्टीप्लाई करना है, वो चीज़ों के लिए हम लोग पहले ही यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो ऐड करके देख लें या तो पहले मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जैसा भी आपको लगे वैसा करके देख सकते हो। सर लेकिन हमने 11 इरेजर को ही कॉमन क्यों लिया, हम 3 को भी तो कॉमन ले सकते ना, क्योंकि उससे भी तो डिविजिबल है वो, क्या 3 से कहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो फिर 11 को क्यों लिया है। अगर 33p है पेंसिल है प्लस 22 पेन है प्लस 11 इरेजर है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, एक बात बताओ कॉमन कौन सी वैल्यू आती है, जो सब में मल्टीप्लाई हुआ है, जो मल्टीप्लाई हुई हो वैल्यू वही तो कॉमन आती है ना। 11 का है 33 का मल्टीपल है, 22 भी क्या है 11 का मल्टीपल है, 11 खुद 11 का मल्टीपल है, तो 11 ही कॉमन आएगा ना, कोई अदर नंबर आ सकता है क्या। आप देखो 3 कॉमन लोगे तो 22 जो है 3 का मल्टीपल नहीं होता, 11 जो होता है 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो वहां से कॉमन कहाँ से 3 लोगे आप। कॉमन लेना हमारे पास उस वैल्यू का कॉमन लेते हैं कि जो वैल्यू सभी में मल्टीप्लाई किया गया हो या तीनों का क्या हो फैक्टर हो, उस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। समझ में कभी भी कॉमन ऐसा नहीं ले सकते इंडिविजुअल, जब भी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो अगर 2-3 नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो तीनों नंबर कॉमन तभी लोगे जब तीनों नंबर में वो वैल्यू इन्वॉल्व हो या तीनों नंबर में वो फैक्टराइज हो, तो आप ले सकते हो अदरवाइज नहीं। क्लियर? हो गया सर। चलो डन।
देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा था इतना तो सॉल्व भी करना चाहता ना, देखो ना 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 6 और 5 कितना 11 हो जाएगा, 5 और 3 कितना 8, देखो जब जैसे 11 हुआ तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सबट्रैक्ट को इन दोनों को ऐड करके इसमें सबट्रैक्ट करके ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया पूरा, तो बचा क्या पेंसिल और इरेजर का पार्ट बचा खत्म, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और फिर क्या कर सकते हो, फिर से एक आपका दो इक्वेशन बन गया ना, अब यहाँ से इक्वेशन इरेजर या पेंसिल का यहाँ पे किसी एक इक्वेशन दोनों में किसी इक्वेशन में रख दो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको अप्रोच देखने लायक है कि अगर हर तीन इक्वेशन को सॉल्व भी करना पड़ा तो क्या रैंडम सॉल्व करने तो अच्छा है या कुछ तीनों को किसी एक इक्वेशन से कंबाइंड करें कि किसका किसके साथ हम सॉल्व करें तो ज्यादा आसान पड़ेगा, तो ये भी हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो दो तीन अप्रोच अगर अप्लाई किया था लेकिन पता नहीं क्यों आंसर नहीं आया, कंबाइन ही किया था मैंने। नहीं कंबाइंड किए हो आप तो कंबाइंड तीनों को क्यों, तीनों को करोगे एक साथ तो नहीं होगा ना, इंडिविजुअल को जैसे मैंने दो को कंबाइंड कर दिया, दो कंबाइंड कर दिया तो वहां पे इरेजर पेंसिल और इरेजर की वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब उन दोनों में रिलेशन आ गया। फिर अगर थर्ड वाले में रिलेशन पता ना तो किसी एक को और रिवार्ड कर लो, किसी एक को कहीं से और पेंसिल पेन को रिमूव कर लो, दो इक्वेशन मिल जाएगा तो पेंसिल और इरेजर को सॉल्व कर लो, ऐसा अप्रोच मैं बोल रहा हूँ ताकि मे भी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व सिंपल हो जाए, ऐसा मैं कंबाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कंबाइंड के तीनों को ऐड कर दो सबट्रैक्ट कर दो, वो तो ऐड सबट्रैक्ट करोगे तो आना चाहिए आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं थ्री वेरिएबल से, फिर आगे कुछ देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसे क्वेश्चन करते नहीं है, होमवर्क पे ले लो आप लोग एक बार करके आना। इफ 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 18, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 29, x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन है 32, 52, 64 DF। नोट कर लो क्वेश्चन, इसका आप लोग करके आना। देखो अब इसका हिंट दे दूं तो हिंट यही है आप लोगों को कि इसका आंसर आपको खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं से भी किसी एंगल से इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बात यह है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में है तो सिंपल सी बात है एक्स वाई की वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि या तो एक्स वाई जेड रहता तो चलो ठीक है हम लोग कॉम्बिनेशन देखते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है यानी हमारा लीनियर इक्वेशन है ये हो गया पॉलिनोमियल टू डिग्री में इक्वेशन हो गया, ये टू डिग्री में इक्वेशन हो गया ना, एक्स के पावर वन वाई के पावर वन कितना हो जाएगा टोटल टू हो जाएगा, तो वहाँ पे भी टू वहाँ पे भी टू वहाँ पे टू है तो तीनों जगह पे टू डिग्री हो गया, हमारा क्या है इक्वेशन क्या है लीनियर इक्वेशन है, तो अगर टू डिग्री में रहना है लीनियर इक्वेशन तो पॉसिबल तो है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन वही बचता है कि हम तीनों को वैल्यू निकाल दें। इस टाइप का क्वेश्चन ए बी 17 का ही क्वेश्चन है, अगर ए बी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो अगर आपके पास दो तीन मिनट बचा है तो आप करो, अदरवाइज एक क्वेश्चन भले देखने में सिंपल है बट अगर तीन चार मिनट या पाँच मिनट आपसे ले लेता है उसकी जगह पे दो बन जाते हैं, यानी दो मार्क्स के लिए आप छह मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ऐसा कहाँ का लॉयल्टी है, ऐसा कहीं का रूल भी नहीं है, तो आपको वही वैल्यू करनी चाहिए जहाँ से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, ये नहीं कि आप एक ही वैल्यू पे करो जहाँ से लॉस हो जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नहीं क्लियर हुआ सर, मतलब यहाँ पे क्लियर का मतलब है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, अब क्लियर का मतलब मैंने ये बताया कि आप लोगों को अप्रोच क्या होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे हमारा देखने में आएगा तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को तो थोड़ा टाइम लगेगा, मानते हो ना, इतना अगर तीन इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा
मैं कहता हूँ चलो 5 मिनट, आपने 5 मिनट, चलो मैं कहता हूँ बहुत फास्ट किया आपने, 3 मिनट में कर दिया। अगर 3 मिनट्स में भी कर दिया आपने क्वेश्चन को, और 3 मिनट में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मैं 2 या 3 क्वेश्चन कर दूंगा, तो आप 2 या 3 वाले क्वेश्चन को करो ना, इस क्वेश्चन को क्यों करोगे अभी आप? आपके पास जब ऑप्शन नहीं है, बंद हो गया है, मतलब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास टाइम बचा है, तब ये क्वेश्चन सही है। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन बचे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो मैंने बोला कि वहां पे जाओ आप, प्रॉफिट पे लॉस पे ना जाओ। इसको मैंने बोला कि आप समझ सकते हो, मैंने क्वेश्चन को नहीं बोला कि बोल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके सर, बट यहाँ पे x into y plus y into z plus z into x का वैल्यू पूछा है। हाँ, तो हम अगर 3 इक्वेशन निकालेंगे तो हमारा x y z का निकलेगा, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? सिंपल सी बात है, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, और z की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दो, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ओके 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 ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, x पावर 1 y पावर 1 कितना हो गया, डिग्री 2 हो गई, y x क्योंकि मल्टीप्लाई होता था पावर ऐड हो जाता है, इतना तो मैंने बताया था, इतना हमारा बेसिक्स होता है। वाई के पावर 1 है, जेड के पावर 1, अगर बेसिक्स है या अगर नहीं पता है तो ये पता हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि ए के पावर 2 इंटू बी ए के पावर 3 है, अगर ये बेस सेम है या नहीं भी सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है 2+3, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, ए के पावर 5 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स अगर डिफरेंट है तो उनकी डिग्री ऐड होती है, तो हम उसको बोलते हैं कितनी डिग्री का है, तब ये पावर्स नहीं बोलते हैं, हम ए के पावर 5 नहीं, यहाँ वाई के पावर 2 नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है डिग्री 2 का है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, यानी पावर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 1+1 2, यहाँ पे भी 1 है, 1+1 2, यहाँ पे सभी में देखो कि यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे डिग्री देखो 1, यहाँ पे डिग्री देखो 1, यहाँ पे डिग्री देखो 1, यानी सभी में 1 आ रहा है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यानी हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ डिग्री 1 का आया, हमें आंसर जो निकालना है डिग्री 2 का निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि हमें उसकी वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। ओके क्लियर, क्या हुआ आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था क्या? बोलो तो सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि आवाज ही मत निकले आप लोगों को। क्या सॉल्व करना है, क्या होमवर्क पे नहीं करना है क्वेश्चन? हाँ सॉल्व करो सर, नहीं समझ आया सर, अब भी समझेगा तो ही होमवर्क करेंगे ना। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था मैं लिख देता हूँ, 2x+3y-5z=18 था, एंड थ्री एक्स प्लस 2y+z=29 है, एंड क्या है, x+y+3z=17। देखो अब आपको क्या निकालना है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालना, आपको पता है हमें ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो कोई एक एक भी रिलेशन हमें यहाँ पे दिखाई देने, एक भी रिलेशन नहीं दिखाई, ऐसा क्यों न करें हम लोग, ऐसा क्यों न करें कि चलो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें y को एलिमिनेट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और y को एलिमिनेट, इसको इक्वेशन 1 लो, इसको इक्वेशन 2 लो, इसको इक्वेशन 3 लो। अब जब इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, देखो 2x+2y+6z=34 कितना हुआ, 34 बनेगा। अब इसको क्या कर, सब्ट्रैक्ट कर दो, अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, इक्वेशन कर दो, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, यानी कि 3x+2y+z=29, एंड क्या है, 2x+2y+6z=34, सब्ट्रैक्ट करो,
क्योंकि माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा एक्स बचा, यहाँ पे कितना बचा प्लस माइनस होगा ना, माइनस का फाइव जेड इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा माइनस का फाइव ही बचेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कर दो कितना फाइव। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर। हम इन दोनों इक्वेशन से फिर से वाई को रिमूव करना, वाई को तो क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारा वाई एलिमिनेट होगा, अदरवाइज वाई तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखो कि इक्वेशन टू में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं थ्री, हम माइनस कर दें इक्वेशन वन कितने से मल्टीप्लाई करते हैं टू से, यानी इक्वेशन नंबर टू वन में देखो इक्वेशन नंबर वन में वन से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर टू में थ्री से मल्टीप्लाई करो और सबट्रैक्ट करो, पहले इक्वेशन नंबर टू में थ्री से मल्टीप्लाई करो तो थ्री थ्री जा कितना हो जाएगा नाइन है, समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री से, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है टू से, तो देखो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा नाइन है, थ्री टू जा कितना हो जाएगा सिक्स वाई प्लस कितना होगा थ्री जेड इज इक्वल टू थ्री से इसमें मल्टीप्लाई कर कितना होगा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन और थ्री टू जा कितना होगा सिक्स, सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा एट हो जाएगा, टू से इसमें मल्टीप्लाई कर फोर एक्स फिर टू से प्लस सिक्स वाई माइनस कितना हो जाएगा टेन जेड इज इक्वल टू कितना हो गया थर्टी सिक्स, तो कितना होगा नाइन एक्स माइनस फोर एक्स कितना हो जाएगा फाइव एक्स, ये वैल्यू कैंसिल, टेन प्लस थ्री कितना हो गया थर्टीन जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको सबट्रैक्ट करोगे तो कितना है वन और कितना होगा फिफ्टी वन, ये इक्वेशन नंबर सिक्स। अब फाइव और सिक्स को सॉल्व करो, समझ में आया क्या, इतनी बात क्लियर हुई क्या सभी को, समझ में आया। अब देखो अब इक्वेशन एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे वन है, यहाँ एक्स का कोफिशियंट फाइव है, अगर इक्वेशन नंबर फाइव में हम लोग फाइव से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, इक्वेशन नंबर फाइव में हम लोग फाइव से मल्टीप्लाई कर यहाँ पे क्या करते हैं इक्वेशन फाइव में फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को सिक्स, इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन सिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो इसमें फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अब फाइव से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो बोल दिया ना मैंने फाइव, फाइव से मल्टीप्लाई करोगे क्या हुआ फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव जेड इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस का ट्वेंटी, सब्ट्रैक्ट करना है फाइव एक्स प्लस थर्टीन जेड इज इक्वल टू कितना हुआ फिफ्टी वन, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करो एक कैंसिल आउट हो जाएगा थर्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा थर्टी एट हो जाएगा, ये आएगा 38 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा सिक्स आएगा, फाइव प्लस ये कितना फाइव प्लस टू कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा माइनस, तो ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जेड यहाँ पे 38 मल्टीप्लाई यहाँ पे जाएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा टू आ जाएगा क्या, जेड की वैल्यू कितना आ गई टू आ गई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, अब जेड की वैल्यू टू आ गई तो जेड की वैल्यू आप क्या करो इक्वेशन नंबर फाइव में रख दो, put in equation 5, equation 5 में रखो तो equation 5 क्या है x minus 5z, 5 into z, z की वैल्यू कितना है कि 2 is equal to कितना होगा minus का 5, x की वैल्यू कितना है minus का 5, ये कितना 5 2 जा 10 तो minus 10 है ना, इधर जाएगा तो plus का 10 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, आप क्या कर दो x और z की वैल्यू क्वेश्चन नंबर थर्ड में रखो, ठीक है ना, अब ये क्या करो यहाँ पे फिर से लिखो पुट वैल्यू ऑफ x एंड z इन थर्ड, थर्ड में रखो तो क्या आएगा x की वैल्यू कितनी आई है 5 हो गया कितना 5 प्लस y प्लस z, z की वैल्यू कितना आई है 2 तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू कितना आ गई
17 माइनस 3 2 जा 6 6 प्लस 5 कितना होगा 11 तो कितना होएगा y की वैल्यू 6 y की वैल्यू 6 आ गई x की वैल्यू 5 आ गई z की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई आपको निकालना है xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू क्या x की वैल्यू कितना है 5 y की वैल्यू कितना है 6 प्लस y की वैल्यू कितना है 6 z की वैल्यू कितना है z की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितना है मल्टीप्लाई को 30 हो गया प्लस 12 हो गया प्लस 10 हो गया 52 आएगा ना तो 52 इसका आंसर आ गया। तो देख लो इस क्वेश्चन को मुझे बताना है सॉल्व करना था तो मैंने सॉल्व किया था मुझे कितना टाइम लगा ठीक है ना। अगर कुछ स्टेप इसमें से स्किप करोगे मैं मानता हूँ बट फिर भी तो टाइम लगेगा ना कंपेयर टू जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उनके कंपेयर में तो इसमें टाइम तो लग रहा है। समझा क्या आप लोगों ने 52 इसका राइट आंसर है जो भी ऑप्शन 52 रहा होगा आई थिंक कौन सा ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन राइट है क्या। हाँ सर बी। ओके नोट कर लो तो ऐसा रह कर तो आप लोग बोल दिया करो अचानक से रुक जा रहे हो आप लोग आवाज नहीं निकाल रहे इसका मतलब भाई सॉल्व करना था बोल दो कि नहीं होमवर्क में नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व किया जाए यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट फिर भी समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। और कोई मेथड नहीं सर इसका? नो अदर कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का बस इसको एक्स वाई जेड की वैल्यू आप जैसे भी निकालना चाहो अदर मेथड जो भी लगा के आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो आपको आंसर मिलेगा अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। सर ऑप्शन भी थ्री क्वेश्चन थे ना लास्ट क्वेश्चंस में उसमें हमने कैसे तीनों को एक साथ में किया था उस टाइप में इसमें नहीं कर सकते क्या? आप ध्यान दो तो वहां पे हमने केवल कंबाइंड इक्वेशन निकाला था यानी कुछ पेन थी कुछ पेंसिल थी या कुछ फाइल्स थी इरेजर की वैल्यू कंबाइंड निकाला था यहाँ पे ऐसा नहीं है। और वहाँ पे क्या था लीनियर इक्वेशन में ही निकालना था और यहाँ पे क्या है लीनियर इक्वेशन नहीं यहाँ पे मैंने अभी दिखाया था ना वही क्वेश्चन में समझा रहा था ना कि यहाँ पे पावर कितना गया 2 आ गया 2 डिग्री का इक्वेशन बन गया 2 डिग्री के इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से 2 डिग्री के इक्वेशन का सोल्यूशन आपसे मांगा है क्लियर? हाँ सर। नोट कर लो इसको क्योंकि आप लोगों का हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। क्या रहना जरूरी है सर? हैप्पी मतलब खुश रखना ज्यादा जरूरी है आप लोगों का क्योंकि आप लोगों का समझ में नहीं आएगा तो फिर हमें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं आप लोगों को उस बीच बैठ के हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम मतलब ही नहीं इसलिए अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा लेकिन आवाज नहीं आती है तो समझ में आ जाता है आप लोगों का प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ऑफलाइन क्लास रहती है शायद इतना भी नहीं करने की जरूरत पड़ती आप लोगों का एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर देता सर। सर हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है सर। हाँ जी बोलो ना। तो सर 3x3 आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाज किसी को क्लियर आ रही होगी क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो सर मैंने बोला कि सेम साइन रहेगा ना तो
आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार रीज्वाइन कर लो ना। हाँ क्या बोल रहा हूँ, हेलो लेफ्ट हो गई सर वो। ओके ज्वाइन हुए क्या आप? प्रॉब्लम हो रही थी क्या? एक मिनट क्या आप देखो, थोड़ा सा इशू मेरे साथ ये है कि आप लोग ना अगर मैसेज करोगे तो थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं बैक कैमरा पे फ्रंट पे रहता था तो मुझे क्लियर पता चलता था। तो आप लोगों का जो भी रह गए ना, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो मुझको कि हाँ क्या है। जिसमें कुछ लोगों का मैसेज आया है बट विजुअल करने के विजुअल नहीं हो सकता हूँ। प्रॉब्लम जिसका था वो क्या अभी रिमूव है या आएगी? वो लेफ्ट ही है सर, अभी वो ज्वाइन नहीं किया उसने। ओके, हो सकता है आज की पूरी क्लास के लिए उन्होंने रिमूव कर। आई थिंक उनका ज्यादा ही नेटवर्क का इशू हो रहा था। ओके कोई डन सभी का हो गया। अब चलो स्टूडेंट कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस तरह से हमारा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलीनोमियल, ये सारी चीजें आपकी पूरी तरह से फिनिश हो गई है, तो मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट? यस सर। मैंने क्या फॉर्मूला होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हमें होता था सर? प्लस टू ए बी। टू ए बी राइट है। ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता था? माइनस का टू ए बी राइट है। अब देखो स्टूडेंट,
अब क्वेश्चन क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसा दे दिया अगर आपको, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर के गिवन हो और फाइंड करना हो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे, समझा क्या? पहला कंडीशन प्लस के लिए बताता हूँ, फिर माइनस बाद में। कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू की है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे जैसे स्क्वायर देते हो दोनों साइड क्या करते हो, होल स्क्वायर। तो अगर दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक का स्क्वायर, राइट है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको क्या करते हो, ब्रेक कर देते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से। तो देखो क्या करोगे, इसको ए का स्क्वायर दैट मीन्स क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स क्या है, वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए, ये कितना है एक्स इंटू बी, बी कितना है वन बाई एक्स, राइट है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए का स्क्वायर। ए प्लस बी के फॉर्मूला से ओपन करेंगे तो क्या इतना ही ओपन करेंगे, अगर इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी के फॉर्मूला से हम लोग कैसे ओपन करेंगे, ऐसे ही ओपन करेंगे ना। आप देख पा रहे हो क्या, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू के का स्क्वायर। तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम लोग, के का स्क्वायर माइनस टू कर सकते हैं क्या, प्लस इधर है इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्या, यस सर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू यानी जो भी वैल्यू दिया उसका अपोजिट के सम के साथ अगर वैल्यू दिया हुआ है, आपसे उसके स्क्वायर की वैल्यू पूछता है ना, आपको इतना होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो जो वैल्यू दिया है उसका के टाइम स्क्वायर, मतलब जो भी वैल्यू दिया उसका स्क्वायर करो और उसमें माइनस टू सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या, क्या मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मान लो हमारे पास फोर है एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर फोर का स्क्वायर माइनस टू, तो फोर का स्क्वायर कितना होगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस टू कितना होगा, फोर्टीन, फोर्टीन हमारा आंसर, फोर्टीन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझा क्या, ये कैसे है, तो हमने क्या किया, जो वैल्यू गिवन है इसी का स्क्वायर कर दिया, माइनस टू कर दिया, हमारा क्या हो गया। अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड अगर अप्लाई करते हो दोनों साइड होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस टू इधर में जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, सिक्सटीन माइनस टू, सिक्सटीन माइनस टू कितना हो जाएगा, अब भी यही वैल्यू आई क्या। तो आप क्या करोगे, कितना वैल्यू करने से बेटर है कि आप डायरेक्ट वैल्यू की बेने, तो जितनी बार देखो वन बाई स्क्वायर करना, टू बाई स्क्वायर करना, जितनी बार स्क्वायर करना इसको स्क्वायर करते जाओ, माइनस टू कर दो, माइनस टू कर जाओ, कब, किसके लिए, जब एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू की बेना, तो सम टाइम ऐसा हो कि इसकी वैल्यू दिया हो और एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो रिवर्स ऑर्डर में भी पूछ सकता है या फॉरवर्ड में भी पूछ सकता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है समथिंग, तो आपको इसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों पॉसिबिलिटी नहीं, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास दोनों है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। समझ में आया क्या सर? हाँ जी, वो माइनस टू किधर से आया, फोर का स्क्वायर माइनस टू किया है ना, हाँ माइनस टू किधर से आया, माइनस टू इधर से आया, ये मैंने किया सर्कल, मैंने बताया ना कि अगर यहाँ के है, के की जगह क्या है फोर है, अब पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा के का स्क्वायर यानी क्या होगा फोर का स्क्वायर, अब माइनस क्या टू, माइनस टू कर दिया हमारा फोर्टीन आ गया। तो मैं वही बताया, या तो आप ये डायरेक्ट स्टार्ट कर याद कर लो कि आप इतना याद कर लेते हो तो डायरेक्ट आप आंसर निकालते हो, या सेकंड तरीका है कि आप स्क्वायर करते जाओ, स्क्वायर करते जाओ मिलते, लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि आपको स्क्वायर भी नहीं दिखाई देगा, कैसे स्क्वायर करें, क्यों करें, क्या करें, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दो कि जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर एक बार करना है तो एक बार माइनस टू, दो बार स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर फोर और यहाँ पे फोर रहता, इसका मतलब क्या, दो बार स्क्वायर होता, एक बार स्क्वायर और टू आया, फिर से स्क्वायर करेंगे क्या होगा, फोर आ जाएगा, तो फिर फोर्टीन का स्क्वायर माइनस टू करते,
14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और माइनस 2 करते तो हमारा कितना हो जाएगा 194 आंसर। तो हम ये फार्मूला ये जनरेट किए हैं, देखो ये जनरेट किया मैंने, ये आपका फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पास x प्लस 1 बाई x की वैल्यू k दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो एग्जाम्पल है कि मैंने समझाया है, समझा आपने 2 कहां से आया, समझा? हाँ समझा सर। ओके नोट कर लो। चलो तो समझ गया ना आप लोगों ने कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। यस सर। अगर एक क्वेश्चन में देता हूँ, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 15, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या है? टू ट्वेंटी थ्री। वेरी गुड। और किसी का 223। जल्दी सेंसर लाने का यही तरीका है, जल्दी सेंसर लाने का आपका यही तरीका है कि इसका स्क्वायर करो, माइनस टू कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन आपको x के पावर या 1010 2 0
प्लस वन अपन एक्स की पावर वन जीरो टू इज इक्वल टू टेन देन एक्स की पावर टू जीरो फोर वन अपन एक्स की पावर टू जीरो इसकी वैल्यू क्या होगी अगर x पावर 1020 की वैल्यू प्लस 1 अपॉन x की पावर 1020 10 है 98 वेरी गुड कितना आएगा 98 आएगा अब क्या गया ना इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 20 इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 into 2 कितना 2 0 का 2 मल्टीप्लाई 0 का 2 का 2 मल्टीप्लाई 4 गया यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया इसका मतलब है इसका स्क्वायर कर दें 10 20 प्लस 1 अपन x के पावर 1020 इसका स्क्वायर कर लो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लो तो आ जाएगा आंसर इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा x के पावर 2040 आ जाएगा प्लस 1 अपन x के पावर 2040 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा 98 आप क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं रूट में एक्स प्लस वन अपान रूट में एक्स इज इक्वल टू फोर नहीं थ्री मन थ्री देन वन देन फाइंड कर लो डायरेक्ट ना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो ट्वेंटी फाइव और किसी का और किसी स्टूडेंट इसे एक मिनट अभी मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ Forty-seven. Very good. चलो सभी को क्लियर हो रहा है ना देखो क्या करना है अगर एक बार इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा राइट है क्या अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा क्या आएगा एक्स प्लस वन बी एक्स की वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू इसका क्या करेंगे थ्री का स्क्वायर माइनस टू कितना आ गया सेवन आ गया क्या एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू सेवन आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू सेवन आ गया एक बार और स्क्वायर कहेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी सेवन का स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 49 माइनस टू इज इक्वल टू समझ में हाँ स्टूडेंट समझ में आया क्या If x is क्या हुआ आवाज नहीं आ रही आप लोगों की फिर से कोई प्रॉब्लम हुई क्या आप लोगों के साथ हेलो नहीं फिर समझा मुझे लगा फिर से कोई प्रॉब्लम हुई क्या तो आप लोग बताओ सही क्या प्रॉब्लम नो सर ओके हाँ जी वो सेकंड इसका कुछ क्या करने का मतलब x का सर n प्लस और 25 दिए हैं ना वो क्या करने का कहाँ 25 दिया हुआ है
वो दिया ना ये आंसर किसी ने बताया था। अच्छा तो ठीक है ठीक है। हाँ ये नीचे क्वेश्चन दिया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो? वेरी गुड। देखो जिसको कंसेप्ट क्लियर है, दिमाग काम कर रहा है, उसका आंसर आया। या मैं 98 लिख रहा हूँ, जिसका मतलब ये आंसर दिया गया है। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा का ये आंसर आया हुआ है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। सर हाँ जी, क्वेश्चन में मेरे को समझा नहीं कि 7 का मतलब 3 का स्क्वायर किया तो वो समझा फॉर्मूला वाइज, लेकिन फिर से 7 का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ओके सर 79 आएगा। 79 आपका क्या नाम है? रेनू। रेनु का आंसर है, तो दो लोग है, पूजा या रेनु का दो आंसर। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो देखो क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर, अगर 10x को हम लोग राइट हैंड साइड में क्या है इज इक्वल टू 10x लिख सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ रहें तो 10x को हम लोग राइट हैंड साइड, अब एक्स से दोनों साइड डिवाइड करते, एक्स से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो यहाँ से एक्स पे एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? एक्स यहाँ 1 में x से डिवाइड करोगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x से x डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 10। यही बचेगा क्या? अब आपको चाहिए क्या? x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? 10 का स्क्वायर और माइनस 2, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और माइनस 2 कितना होता है 98, यानी पूजा का आंसर। क्लियर? देखो नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना, अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी क्वेश्चन को कोई ट्विस्ट नहीं हुआ है क्वेश्चन में, इतना से जैसे जैसे अभी क्वेश्चन का देखो, अब धीरे धीरे क्वेश्चन अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, अलग बात है कि हम कॉन्सेप्ट एक ही यूज कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, तो अभी स्टार्टिंग फेज है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना आपको। हाँ जी, डिवाइड किया आपने, आपने एक्स से डिवाइड किया, वो समझेगा कैसे डिवाइड करना है? अभी आपको ऐसे समझना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हमें आसान हो जाए, तो हमने इसके थ्रू ये काम किया है, अदरवाइज नहीं कर पाते, इसके लिए हमने ऐसा किया, समझा? तो हमें ये दिखाई दे रहा माइनस टेन एक्स उधर लेके चले जाएंगे तो फिर x से अगर दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वन बाई एक्स हमें बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारा अप्रोच है कि अगर x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हमें x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आइडिया है तो हमें उस वैल्यू को निकालने में कोई फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? एक मिनट। उसकी वैल्यू देखो, ट्वेंटी थ्री। वेरी गुड।
और किसी का? 23 सर। 23, 23 और 23, वेरी गुड। अच्छा कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है आप ही दोनों का आंसर आया होगा, पूजा और रेनू। तो हमें भी क्या होता है ना कि आइडिया तो होता नहीं है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, इसलिए नाम का कुछ आइडिया लग नहीं पता है। या जैसे एक एक लड़की थी ना वो कोमल के, उसका वॉइस ही बिल्कुल अलग थी। अभी तो पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं होती है, क्या आइडिया? नहीं सर, उसकी मम्मी का तबीयत बहुत डाउन है, उसकी मम्मी आईसीयू में थी इसलिए वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रही है। लेकिन आप लोगों की आप लोगों ने देखा होगा कोमल की वॉइस ना थोड़ा सा तगड़ी थी या थोड़ा सा सबसे बोल्ड थी, तो सबसे अलग थी। तो या किसी से बॉयज का ऐसी वॉइस आती है किसी बॉयज का, इस तरह से नाम याद हो जाता है। लेकिन अब जैसे अभी मेरे को क्या होगा, सेम वॉइस आई तो मुझे लगा रीना ने दिया या पूजा ने दिया हो, तो अभी इस बार आंसर किसे है मीना से, तो ये चीजें चेंजिंग हो जाती है। तो हमें भी क्या होता है कि या तो फ्रंट ऑफ क्लास में बैठ रहे हैं फेस टू फेस बात हो तब समझ में है, लेकिन इस तरह से तो हमने नहीं समझ में आता है कि कौन। तो वॉइस से तो इतना ज्यादा पिक नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, अगर वॉइस आपकी बिल्कुल अलग है, अलग लग रही है, तो आपकी आवाज समझ में आएगी, अदरवाइज तो फिर कंबाइन हो जाता है, तो समय ऐसे ही होता है। तो इस चीज के लिए आप लोग माइंड मत करना कि हाँ ठीक है मीना को मैंने रेनू बोल दिया, रेनू नहीं मीना सर, बोल नहीं दिया, माइंड मत करना, नहीं सर, इतनी होता है इतना सर। ओके चलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखना है कि x x माइनस फाइव इज इक्वल टू अगर वन गिवन है तो हमें क्या चाहिए। तो ऐसा करें क्या, x से हम लोग पहले डिवाइड करें, अगर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस फाइव। अब प्लस वन में अगर x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, वन बाई एक्स। जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। अगर हम लोग 5 को इधर लेके चले आएंगे क्या आएगा, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू हो गया। ये हमें देखना पड़ता है, ये हमें देखना पड़ता है, देखना चाहिए हमें, हमें एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे हमने दिखाई दिया कि जैसे ही x से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स आया, और 1 बाई एक्स से आया तो हमें 1 बाई एक्स से चाहिए, क्योंकि x तो हमें गिवन है, लेकिन 1 बाई एक्स नहीं गिवन है। तो 1 बाई एक्स अगर नहीं गिवन है तो हमें 1 बाई एक्स जैसे डिवाइड कर रहे थे तो हमें 1 बाई एक्स दिखाई दे रहा था, 1 बाई एक्स दिखाई दे रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना है, एक बार स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव का स्क्वायर और माइनस टू। फाइव का स्क्वायर कितना होगा, 25 और माइनस टू इज इक्वल टू हो गया। समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा अप्रोच आप लोगों को लगाना पड़ेगा कि अप्रोच क्या है आप लोगों का, कि एक्चुअल में आंसर पे जाना कैसे। अब ऐसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आगे थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के मतलब लेवल आप डे टू डे क्या होता है, लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, इसकी वजह से और भी लेवल इसका इंक्रीज करेगा। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और भी कराऊंगा इसका, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है। बट हाँ, सीएचएसएल के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, आपके एमटीएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आने के चांसेज होते हैं, उनमें इतना टफ क्वेश्चन नहीं देता। हेलो देखो क्या है, अगर हम लोग एक्स एक्स माइनस, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ एक्स एक्स माइनस फाइव प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, हमने किया दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर, एक्स एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स जीरो डिवाइड बाई एक्स। एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस फाइव, यहाँ क्या वन बाई एक्स। जीरो में एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, जीरो। क्या यही सेम चीज आ गई क्या? नोट हो गया? नहीं कर लो आप नोट।
डन डन ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और करेंगे, ऐसा नहीं है कि टाइम फिनिश हो गया, अभी एक लेक्चर मिनिमम एक लेक्चर इस पे लगेगा ही लगेगा, प्लस वाला हो गया तो माइनस वाला भी बताएंगे, उसको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, देखना कि सब घूम हम लोग कैसे कितना रिटर्न करके हम लोग इसी पे आ जाते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।